हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स बाय कमलेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास टेन के लिए मैथ्स एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन नंबर है सेवन से चैप्टर है ट्रेंगस आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स क्वेश्चन है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द तो हम जानते हैं रोमबस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड बराबर है तो ये रोमबस है जिसका चारों साइड बराबर है रोमबस और स्क्वायर में अंतर क्या है स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है लेकिन उसका सभी एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल होता है रोमबस में ऐसी बात नहीं होती है ठीक है सिर्फ चार साइड बराबर होता है और दूसरा प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का डाइगोनस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ठीक है ये दो इसका कैरेक्टर है तो इसमें लिखते हैं ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल हो गया दोनों को ये राइट एंगल पर परपेंडिकुलरली बाइसेक करता है मीन्स बी अगर ओ पर ये करता है बाई करता है तो इसमें क्या हो जाएगा रोमबस में ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी सी चारों साइड बराबर है और ए सी और बी डी दो इसका ये डायगोनल्स है जो ओ पर इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल बी ओ ए ऐसे ही ए डी सी ओ डी और सी ओ बी ये चारों एंगल राइट एंगल होगा सेंटर पर ठीक है और एक दूसरे को इंटर बाइसेक्ट करेगा मीन्स बी ओ इजकल टू OD एंड एज टू ओ सी ए कैरेक्टर है तो हमारा गिवन क्या है तो कह रहा है क्वेश्चन में जो चारों साइड का स्क्वायर का सम मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर का सम इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के सम के बराबर ठीक है तो अब इसमें लिख देते हैं गिवेन है मेरे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स इंटर सेक्टिंग ईच अदर पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है इस अदर को तो टू प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ करना है चारों साइड का स्क्वायर का सम इक्वल होगा दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर तो टू प्रूफ है ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर ये इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ में तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडी पेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेट करता रहा हूं बस ये हम जानते हैं सो ए एजल टू ओ सी बी ओ इजकल टू ओ डी हो जाएगा बाइसेट करता है तो एंड एंगल ए बी एओ बी इजकल टू नाइंटी डिग्री परपेंडिकुलरली बाइसेट करता है एक ट्रेंगल कहा लेते हैं अभी एओ बी इजकल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है नाउ नाउ इन ट्रैंगल ए बी एओ बी ए बी में क्या हो गया ए बी ए बी स्क्वायर इजकल टू बी ओ स्क्वायर एओ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर क्यों ये हो गया बाई पाइथे गोरस इसमें क्या पाइथागोरस पाइथे गोरस में जो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है तो यहाँ इसमें इस एंगल में, इस में क्या हो गया राइट right एंगल है ये यह. यहाँ ओ पर तो उसके अपोजिट साइड ये हो गया एच ये हो गया पी ये हो गया बी अब उसी की जगह पर एच स्क्वायर के जगह पर ए बी स्क्वायर डाल दिए पी स्क्वायर के जगह पर ए वो स्क्वायर डाल दिया और बेस ओ बी स्क्वायर डाल दिया तो ये हो गया अब ए बी के जगह पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज्कल टू ए ए ओ क्या है चूँकि बाइसेक करता है तो ए और सी ओ बराबर है पहले भी लिखें ए ओ सी ओ मीन्स ए ओ के जगह पर हम लिख सकते हैं वन बाई टू ए सी ठीक है इसको लिख देंगे वन बाई टू ए सी का होल स्क्वायर और ओ बी के जगह पर लिख देंगे वन बाई टू बी डी का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको कर देते हैं ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे ये हो जाएगा वन बाई फोर ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा वन टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर बी डी स्क्वायर अब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इजकल टू वन बाई फोर कॉमन ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया ठीक है अब क्या करेंगे ए बी स्क्वायर रहने देंगे और फोर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दिया ए बी स्क्वायर इंटू फोर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये हो गया अब इससे क्या करेंगे ए बी स्क्वायर फोर टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्योंकि चार बार मल्टीप्लाई है तो चार बार प्लस कर दिया इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अब ए बी जगह पर लिख देंगे अब क्या लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस सो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल हेंस ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू हो जाएगा बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए ठीक है ये चारों साइड बराबर है तो इसी के जगह पर क्या कर देंगे ए बी के जगह पर ए बी ही रहने देंगे ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर की जगह पर चारों साइड बराबर है तो क्या डाल देंगे बी सी डाल देंगे बी सी स्क्वायर फिर क्या डाल देंगे सी डी स्क्वायर फिर डाल देंगे डी ए स्क्वायर इजगल टू ये ऐसे ही रहने देंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यही प्रूफ करना था हमको जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यही यहाँ प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ठीक है हेंस प्रूफड ये ए बी स्क्वायर चार बार हुआ चूंकि ए बी स्क्वायर के भी बराबर सभी साइड से रॉमबस का सब साइड बराबर होता है तो इसलिए ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर बाकी तीनों साइड को रिप्लेस कर दिए इससे तो ये प्रूफ हो गया अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर